हेलो गाइस, वेलकम टू हेलो लाइफस्टाइल चैनल। मेरा नाम है अमन राठौड़ और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीरो ऑयल कुकिंग। जी हाँ, इस पनीर की सब्जी को मैंने शाही पनीर का नाम दिया है और इसको मैंने बनाया है लिमिटेड मसालों के साथ और विदाउट ऑयल का यूज किए। तो आइए देखते हैं इस सब्जी को मैंने कैसे बनाया है। तो आइए चलते हैं। तो आज जो हम शाही पनीर बनाने जा रहे हैं जीरो ऑयल के साथ, उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स का यूज करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। उसमें हमारे पास है ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, दो ग्रीन चिली और गार्लिक। सो गार्लिक की कली ली है मैंने चार, तो इसको फटाफट करते हैं चॉप और फिर हम चलते हैं हमारे जो मेन रेसिपी है उसकी ओर। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स को आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि हम इसको कुकर में करने वाले हैं बॉईल। तो हम इसकी लेंगे सीटी, इसलिए आपको ज़्यादा इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इनको बड़े भी रख सकते हैं। तो आइए फटाफट सारी वेजिटेबल्स को इस तरीके से कट करते हैं। सो ये सारी वेजिटेबल्स कट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम चलेंगे किचन में और इसको करेंगे बॉईल। उसमें लेंगे हम सीटी, उसके बाद में आगे की रेसिपी आपको बताता हूँ। तो चलते हैं किचन में। तो ये सारी वेजिटेबल्स सब मैं इसके अंदर डालूंगा। अब यहाँ पर कुछ गरम मसालों का मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ। और अब मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी और बस। अब हम इसकी लेंगे दो से तीन सीटी, उसके बाद मिलते हैं फिर से। तो यहां पर हमने सीटी ले ली है और वेजिटेबल्स अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। इसको मैं इस कुकर से सारी वेजिटेबल्स को बाहर निकाल लूंगा। तो मैंने सारी जो वेजिटेबल्स थी वो इसके अंदर डाल ली है। तो आइए अब करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। तो यहां पर मैंने वेजिटेबल्स को अच्छे से पीस दिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं मेन रेसिपी की ओर। तो ये हमारी ग्रेवी का काम करेगा और इसमें मैंने एक गेम चेंजर चीज का यूज किया है और वो गेम चेंजर है गरम मसाला, जो कि आपको टेस्ट भी देगा। उसको हमने पीस लिया है अच्छे से, इसमें मिक्स हो चुका है वो, तो वो गेम चेंजर चीज है। तो अब मैं यूज करूंगा फ्राई पैन का, बिना ऑयल का यूज करें। अब हम बनाएंगे हमारी शाही पनीर की सब्जी। तो आइए अब इसको डालता हूं मैं फ्राई पैन के अंदर। तो अब ये ग्रेवी थोड़ी सी हम पकने देंगे, इसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे मसाला पकते जाएगा। 5 मिनट में मसाला पक के पूरा रेडी हो जाएगा और हमारी सब्जी अब बनने के बहुत ज़्यादा करीब है शाही पनीर की। तो इस तरीके से बीच में थोड़ा थोड़ा सा इसको हिलाते रहे ताकि ये मसाला चिपके ना। अब इसमें मैं इंडियन स्पाइसेस ऐड करूँगा। मैं थोड़ी सी रेड चिली, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट का यूज करूंगा और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और थोड़ी देर फिर और ग्रेवी को होने देंगे, देन आपकी सब्जी बनकर रेडी है। तो इसको अच्छे से कर रहा हूं मैं मिक्स और थोड़ी देर फिर और पकने दूंगा। अब इसका कलर चेंज होने वाला है क्योंकि अब इंडियन स्पाइसेस इसमें ऐड हो चुके हैं। तो बारी यहां पर पनीर की। अब मैं यहाँ पर पनीर ऐड करूँगा इसके अंदर। अगर आपको पनीर थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसमें फिर आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे कि मैं ज़ीरो ऑयल में इसको बना रहा हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा भी
ऑयल के अंदर रोस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसमें पनीर ऐड कर रहा हूँ। तो ये पनीर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स अच्छे से, और बस 2 मिनट के अंदर अब सब्जी बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। देख सकते हैं आप, कलर बिल्कुल ग्रेवी का चेंज हो चुका है, ग्रेवी पूरी तरीके से पक चुकी है, हमारे मसाले पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो बस 2 मिनट अब रहने देता हूं मैं इसको, और फिर फाइनली हमारी डिश बनकर रेडी है। तो गाइस, आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगा, जब ये रेसिपी मेरे माइंड में आई थी और मैंने इसको ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल बकवास बनी थी, क्योंकि मैंने गरम मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था। और ये सेम चीज़ आप ऑयल वाले खाने के साथ भी करेंगे तो यही होगा, आपको मसालों का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो ये मैं जब सेकेंड बार मैंने ट्राई किया, तब जाके ये बहुत बेस्ट अल्टीमेट बनी थी। मैंने सोचा फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, तो सेकेंड बार में बहुत अच्छी बनी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब वेट नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ भाई इस अल्टीमेट डिश को खाने, इसलिए बाय बाय।